आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव दोलरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 15 किलोमीटर तो ब्लॉक से दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। 2700 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती सहाना के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। अपने अच्छे कार्यों के कारण दूसरी बार गांव के प्रधान चुने गए हैं। सचिव दयाराम और ग्राम प्रधान श्रीमती सहाना ने इन 4 वर्षों में गांव को किस तरह से सजाया है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के दोलरा ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को यहाँ पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में अब तक करवाए हैं? रोडें बनवाई हैं जी, और नाली बनवाई हैं, और साथ हमारे की शौचालय बनवाए जी। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत, ओडीएफ हो गई। आवास मिले हैं लोगों को? आवास मिले हैं। कितने आवास हैं हमारे? 40 के आसपास आवास मिले जी। यहाँ जैसे सरकार की योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या जो किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, क्या पूरा 100% जो है उसका लाभ आपके गांव में मिलता है लोगों को? लोग मिलता है, 100% मिलता है, सब पूरा लाभ मिलता है जी। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई, एक सफाई कर्मी है हमारे यहाँ, बाकी हम भी पास करते हैं जी। सफाई कर्मी आता है समय समय डेली? आता है। यहाँ पर जो है 100 नंबर, 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, ये बने हैं सभी के? ये सभी के बने हैं। स्कूल पर कायाकल्प के अंतर्गत आपने क्या क्या काम करवाया? स्कूल पर टैक्स लगवाई है, और स्कूल की मरम्मत कराई है, शौचालय बनवाई है, और टंकी लगवाई है, टोटी बनवाई है बच्चों के, और स्कूल में जो है मिड डे मील वगैरह सब सही मिल रहा है? आप समय देते हैं वहाँ पर जाकर? समय देता हूँ, एक घंटे का समय देता हूँ जी। पिछले कई सालों में और अब जबकि सरकार ने स्कूल पर इतना काम करवाया है, कायाकल्प के अंतर्गत इतना सौंदर्यकरण करवाया है, खासतौर से शिक्षा की ओर ध्यान दिया है, क्या पिछले कई सालों में और अब इन सालों में आपने शिक्षा या स्कूल बदलाव? पहले से बदलाव है जी, बहुत बेहतर है, पहले से बेहतर बहुत बेहतर है। सरकार जो है इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है जी, और स्कूलों का काम कराए हैं, सब से भी कराए जी, और उसकी रंगाई पुताई छुटाई उताई ये सब कराई थी। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा यहाँ बारात घर, पंचायत भवन, ये बने हुए हैं? ये नहीं, वो बने हुए हैं आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी दो काम, खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, अस्पताल, अस्पताल भी नहीं है, अस्पताल हमने जगह दी है, अस्पताल भी नहीं है, अस्पताल बनिया है, बन रहा है, तैयारी है, अभी शुरू होने वाला है, हमने अलर्टमेंट कर दी है जी जी। अब अपने गांव को और सुंदर विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार इस टाइम बहुत कुछ दे रही है हमें, और सरकार की बहुत बड़ी सुविधा है, सरकार जो है बहुत जोर दे रही है विकास पर, और ऐसी कोई बात नहीं, सरकार जो है इस टाइम बढ़िया है। अपने गांव में कोई ऐसी समस्या महसूस करते हैं जिसके लिए चाहेंगे कि सरकार ध्यान दे, खासतौर पर कोई समस्या आपके गाँव में ऐसी दिखाई देती है जैसे बारात घर, पंचायत भवन? हमारे यहाँ कोई पंचायत भवन नहीं, पंचायत भवन नहीं है, पानी वगैरह की पानी व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सरकारी नल लगवाए हैं, हैंडपम्प लगवाए, बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। शमशान घाट, कब्रिस्तान, शमशान घाट नहीं है, क्या हिंदू समाज है? नहीं, मोहम्मद गाँव है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, शौचालय से भी गांव ओडीएफ हो चुका है, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन अभी भी कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ बाकी हैं जिनसे लोग गुजरे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन यहाँ पर निर्मित नहीं है, जिसके लिए प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। अशरफ अली के साथ में नाज़रीन, टुडे 24 से।